विकास दुबे को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। मोस्ट वांटेड विकास दुबे के करीबियों के घर छापेमारी की गई है। जगनपुर जिला पंचायत सदस्य गुड्डन के घर छापेमारी की गई। इस दौरान गुड्डन की दुकान से दो नौकर हिरासत में लिए गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गुड्डन की दुकान का विकास दुबे ने उद्घाटन किया था। कानपुर मुठभेड़ की जांच नवाबगंज पुलिस को सौंप दी गई है। इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी मामले की जांच करेंगे। जांच अधिकारी के नेतृत्व में घटनास्थल पर टीम पहुंची, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। विकास दुबे के लखनऊ वाले घर से बरामद हुई कार से खुलासा हुआ है। कार के सहारे पुलिस का मालिक तक पहुंची है, जिसके बाद सामने आया कि 2009 में नीलामी के दौरान विनीत पांडे नाम के शख्स ने कार खरीदी थी और इस गाड़ी को परिवहन विभाग ने नीलामी किया था। कार मालिक विनीत पांडे ने लिखित में तहरीर दी है और बताया है कि विकास दुबे ने जबरन कार पर कब्जा किया था। सावन का महीना शुरू हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार है। इस बार श्रावण मास में कुल 5 सोमवार पड़ेंगे। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का बहुत महत्व माना जाता है। जहां हर साल सावन में मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन अफसोस इस साल मंदिरों में कोरोना का साया देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले सोमवार पर गोरखपुर में भगवान शिव की पूजा के मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर स्थित मानसरोवर मंदिर पहुंचे और वहां भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ मास्क पहने हुए नजर आए। आज सावन का पहला दिन है, ऐसे में काशी विश्वनाथ का दरबार शिव भक्तों के लिए सज धज कर तैयार हो गया है। सुबह से ही भक्तों का आना शुरू है, लेकिन पिछली साल की तरह इस साल भक्तों की भीड़ कम देखने को मिल रही है। मंदिर में प्रवेश और निकास के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से 3 अलग अलग मार्ग तैयार किए गए हैं। सावन के पहले सोमवार में गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुग्धेश्वर नाथ मठ मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते थे, वहीं अब इनकी संख्या कम देखने को मिल रही है। आपको बता दें, सावन के महीने में मंदिर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ विशेष नजर नहीं आ रहा है। सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में ज्यादातर भक्त कोरोना को देखते हुए अपने अपने घरों पर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। गोंडा के ऐतिहासिक दुखहरणनाथ मंदिर में पिछली साल की अपेक्षा इस साल भीड़ कम देखने को मिली। मंदिर में जो भी श्रद्धालु आए हुए थे, वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। साथ ही भक्तों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। संभल में पातालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों की लंबी चौड़ी लाइन देखने को मिली। डीएम ने मंदिर में भक्तों की भीड़ पर रोक लगाने के लिए आदेश दिया था। डीएम ने आदेश दिया था कि मंदिर के अंदर पुजारियों के साथ सिर्फ 5 लोग बैठकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना की वजह से फरुखाबाद के भगवान पांडेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ नहीं देखने को मिली। आम दिनों में भी ये मंदिर भक्तों से भरा रहता है, लेकिन इस बार सावन महीने में भी मंदिर की रौनक कोरोना की भीड़ छोड़ गई। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहां शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम पांडेश्वर नाथ शिवालय पड़ा। ग्रेटर नोएडा में सावन के पहले सोमवार को लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि भक्त अब कांवड़ लेने हरिद्वार नहीं जा सकेंगे। कोरोना को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं मंदिर में भी एक बार में सिर्फ 5 लोग पूजा अर्चना कर पाएंगे। कांवड़ियों को रोकने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। सीमाओं पर पुलिस के साथ पीएसी भी तैनात है। चिन्हित 10 जगहों पर पुलिस पीएसी की तैनाती है। हर की पौड़ी क्षेत्र पर विशेष चौकसी रहेगी। एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि कांवड़ियों को देखते ही पुलिस को सूचित करने की अपील की है। आज से पुलिस के साथ तैनात रहेगी पीएसी। व्यापारियों से कांवड़ का सामान न रखने की भी अपील की गई है। देश में हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,97,413 पहुंच चुकी है। वहीं 24 घंटे में 24,248 नए कोरोना केस मिले हैं, जबकि कोरोना की वजह से 24 घंटे में 425 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं
देश में इलाज के बाद 4,24,432 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक कोरोना से 19,693 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण के 2,53,287 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में सैकड़ों वैज्ञानिकों ने नया दावा किया है। यह वायरस एयरबॉर्न यानी हवा में फैलने वाला वायरस है। 32 देशों के 239 साइंटिस्टों ने अपनी एक रिसर्च के बाद विश्व संगठन से इस वायरस को लेकर की गई सिफारिशों में संशोधन करने को कहा है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और दुनिया भर में सबसे ज्यादा संक्रमित केस के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। रूस को पीछे छोड़ भारत कोरोना संक्रमितों की संख्या में तीसरे पायदान पर आ गया है। हालांकि अब भी अमेरिका और ब्राजील इस मामले में भारत से आगे हैं, वहीं पाकिस्तान 12वें पायदान पर है। कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तान को तब तगड़ा झटका लगा जब उसके कुछ डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे की घोषणा कर दी। यहां के 48 डॉक्टरों ने एक साथ सरकार को इस्तीफे भेज दिए। इन डॉक्टरों का आरोप है कि वे कोरोना के खिलाफ जंग में लगे हैं, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से सेफ्टी वियर्स मुहैया नहीं कराए जा रही हैं। ये इस्तीफे पंजाब प्रांत के डॉक्टरों ने दिए हैं। बदायूं में भी कोरोना मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा होता चला जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आई रिपोर्ट में 10 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। नए कोरोना मरीज मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या 58 हो चुकी है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बदायूं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने अब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत बाहर से आए प्रवासियों को भी राशन मुहैया कराना शुरू कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड में देश के किसी भी राज्य से आए व्यक्ति को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन मिल सकेगा। खाद्य सचिव सुशील कुमार ने बताया कि बाहर से आए लोगों को उत्तराखंड में सरकारी राशन की दुकानों से राशन मिल सकेगा। वहीं दूसरे राज्य में रह रहे उत्तराखंड के लोगों को भी वहां पर राशन मिल सकेगा। केंद्र की वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना के तहत लोगों को राशन मुहैया कराया जाएगा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के असंतुष्ट नेताओं ने राष्ट्रपति विद्या भंडारी से मुलाकात की। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दल विभाजन अध्यादेश और देश में इमरजेंसी लगाने जैसे विवादास्पद निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं करने का आग्रह किया है। भारत को पड़ोसी देशों के जरिए घेर कर दबाव मिलाने की कोशिश करने वाले चीन का दांव उल्टा पड़ रहा है। एलएसी पर तनाव के बीच चीन की बाह्य और आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां अचानक बढ़ गई हैं। दरअसल टेलीकॉम कंपनी हुआवे ने विश्व बाजार में अलग थलग पड़ने से राष्ट्रपति शी जिनपिंग की घरेलू मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ा दी है। ईरान में रणनीतिक चाबहार पोर्ट के विकास से भारत को CIS देशों तक पहुंचने में बड़ी मदद मिलेगी। इस पोर्ट के माध्यम से CIS देशों तक पहुंचने में भारत को ढुलाई खर्च में 20% तक की बचत होगी। यह पोर्ट ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित है और भारत अपने पश्चिमी तट से आसानी से वहां पहुंच सकता है। इसके लिए पाकिस्तान से रास्ता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी में आज से खुल गए हैं माध्यमिक स्कूल। ऑनलाइन चलेगी क्लासेस। टीचर स्कूल जाएंगे लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 9 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। पिथौरागढ़ बागेश्वर नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ पौड़ी देहरादून टिहरी रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी में भी अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में मौसम का मिजाज बदल गया है। दरअसल सुबह से ही राजधानी में मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है। कानपुर में देर रात से ही बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से निजात मिल गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए बारिश का संभावना जताई है। नैनीताल हाईकोर्ट में देवस्थानम एक्ट मामले में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दाखिल की है और चारधाम देवस्थानम एक्ट को निरस्त करने के लिए कहा है। श्रावस्ती में फरार चल रहा नशा तस्कर को क्राइम ब्रांच और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों
ब्रेजा कार छोड़कर दो संदिग्ध फरार हो गए थे। तलाशी के दौरान पुलिस को कार में 45 किलो गांजा बरामद हुआ था। गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। चंदौली में पुलिस ने 2 खून के सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल से इंसानी खून के तस्कर का रैकेट चलाते थे। वहीं इस रैकेट में शामिल स्वास्तिक हॉस्पिटल और 2 अन्य पैथोलॉजी सेंटर को सीज कर दिया गया है। इस सिंडिकेट में अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने की वजह से हिस्ट्री शूटर घायल हो गया। इस दौरान चौकी प्रभारी भी घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान बदमाश का एक साथी फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश पर 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों बदमाश का फायरिंग का वीडियो भी वायरल हो रहा था। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी बेटे ने 3 दिनों अपनी सौतेली माँ की हत्या कर दी। हत्या के बाद बेटे ने मां के शव को घर में ही गाड़ दिया, ताकि किसी को घटना की जानकारी न हो सके। लेकिन मोहल्ले वालों की सतर्कता के चलते पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। जौनपुर में एक कॉलेज प्रबंधक की हत्या कर दी गई। आज सुबह जब ग्रामीणों ने घर का दरवाजा खुला देखा तो उन्हें शक हुआ। उसके बाद वो घर के अंदर जाकर देखा, जहां कॉलेज प्रबंधक का शव पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अपराधी की तलाश कर रही है। जालौन में मामूली विवाद के चलते एक युवक ने शराब के नशे में गोली मारकर पड़ोसी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बता दें कि हत्या की घटना नदीगांव थाना क्षेत्र की है। मऊ में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव फंदे से लटका हुआ देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर ले लिया है। वहीं युवक की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लखनऊ के भोला खेड़ा चौकी के पास एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक ने परिजनों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। खुदकुशी से पहले युवक ने घर की दीवार पर सुसाइड नोट लिखा है। जालौन में मामूली विवाद में युवक ने पड़ोसी को गोली मार दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी शराब के नशे में धुत था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रामनगर में गांजा की तस्करी कर रहे एक तस्कर को पुलिस ने दबोच लिया है। गांजा बरामद कर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से 7 किलो 152 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। रुड़की पुलिस ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में 2 भाइयों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि नाबालिग 1 जुलाई की रात को घर में सो रही थी, तभी आधी रात के समय गांव के ही आरोपी वहां आ गए और नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से श्रीकोट इलाके में एक शख्स नदी के बीचों बीच फंस गया। स्थानीय लोगों की नजर जब उस शख्स पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने SDRF और जल पुलिस को शख्स को सही सलामत नदी से बाहर निकाला। बरेली में कुछ बदमाश एक ट्रांसपोर्टर के घर में घुस गए और हथियार के दम पर पूरे परिवार को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित ट्रांसपोर्टर का कहना है कि बीती रात बदमाशों ने उनके घर में दरवाजे को नॉक किया। जब उन्होंने घर के गेट को खोला तो बदमाश घर में घुस आए और परिवार को बंधक बनाकर नकदी सहित 20 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। मुरादाबाद में बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक के ATM को काटकर लाखों रुपए की चोरी की। चोरी कर बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी CCTV में चोरी करते हुए बदमाश कैद हो गए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कांठ रोड हाईवे का यह मामला है। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के साथ अब सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थों के बढ़ते दाम और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि प्रदेश में शराब सस्ती है और बाकी चीजें महंगी होती जा रही हैं।
एटा में पीतल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत तो उद्योग से जुड़े लोगों को संगठित किया जा रहा है। पीतल उद्योग जिले में सिर्फ जलेसर क्षेत्र तक ही सीमित है, ऐसे में लोगों के बीच पीतल उद्योग को पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास शुरू किए हैं।